भाई एक होती है फिल्म, फिर उससे ऊपर आती है बवाल लेवल फिल्म, लेकिन इन सब के लेवल से बहुत बहुत ऊपर आती है सुपर यूनिक कॉन्सेप्ट वाली माइंड ब्लोइंग फिल्म्स, जो हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत आगे की स्टोरी और कॉन्सेप्ट दिखाती है। और भाई ये मूवीज अलग ही लेवल का सुकून देती है। तो आज दिल दिमाग सब कुछ हिलाकर रख देने वाली टॉप 7 सुपर यूनिक कॉन्सेप्ट मूवीज हम कवर करेंगे, जो तुम्हारी सोच से 100 गुना आगे का बाप लेवल एक्सपीरियंस ऑफर करेगी। तो चलो फिर एक भी सेकेंड वेस्ट किए बिना आज की ये सुपर यूनिक मूवी राइड शुरू करते हैं। नंबर 7 पर एक बहुत ही यूनिक फिल्म है, जिसका कॉन्सेप्ट सुनकर तुम भी सोचोगे कि यार ऐसे कॉन्सेप्ट पर मूवी बनाने के बारे में कोई कैसे सोच सकता है। तो नंबर 7 की ये यूनिक मूवी है 2009 में रिलीज हुई द इन्वेंशन ऑफ लाइंग। भाई ये फिल्म हमें एक ऐसे परफेक्ट वर्ल्ड में लेकर जाती है जहां पर किसी को झूठ बोलना नहीं आता, क्योंकि झूठ जैसी कोई चीज वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन जब एक दिन एक नॉर्मल आदमी रैंडमली झूठ बोल देता है, तब वो उसकी सुपर पावर बन जाती है, जिससे वो इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है, फेम, पैसा, प्यार, सब कुछ। अब ऐसा वर्ल्ड हम सब चाहते हैं, लेकिन इस फिल्म के अलावा आज की दुनिया में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये एक सिंपल कॉमेडी फिल्म है जिसका आइडिया तो बहुत यूनिक है, लेकिन इसकी पेसिंग थोड़ी बहुत स्लो एंड फास्ट फील होती है। लेकिन इस फिल्म की कॉमेडी, लीड स्टार्स की सुपर्ब एक्टिंग एंड इसका एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट इस फिल्म को बहुत ही स्पेशल और मस्ट वॉच बना देता है। झूठ और धोखे से बहुत दूर इस परफेक्ट वर्ल्ड को तुम इस फिल्म के जरिए एक्सपीरियंस कर सकते हो जियो सिनेमा पर, जहां पर ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर 6 पर एक बहुत ही यूनिक ड्रामा फिल्म है, जो इमेजिनेशन एंड डेस्पिरेशन को बहुत ही परफेक्ट एंड इंस्पायरिंग सी स्टोरी में ब्रिलियंटली मिक्स करके दिखाती है। 2014 में रिलीज हुई स्वीटली यूनिक फिल्म द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी। ये एडवेंचर कॉमेडी हमें एक डल ऑफिस वर्कर की कहानी दिखाती है, लेकिन इस डल जिंदगी के साथ साथ उस आदमी की इमेजिनेशन अनलिमिटेड है, और जब वो अपनी इमेजिनेशन को रियल लाइफ में बदलना चाहता है, तब उसे एक बहुत ही डेंजरस एडवेंचर पर जाना पड़ता है, जो उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल देता है। द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी ट्रूली एक बहुत ही स्वीट एंड इंस्पायरिंग फिल्म है, जो 9 to 5 जॉब करने वाले व्यूअर्स के दिल को छू जाने वाली है, क्योंकि उनमें से हर शख्स अपने सपनों को फॉलो करना चाहता है, और वही चीज इस फिल्म का अंडरलाइंग मैसेज है। अब ये फिल्म भले ही सिंपल हो, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन एकदम यूनिक है, जो इमेजिनेशन एंड रियलिटी के बीच में हमें कंफ्यूज करके रख देता है। तो इस स्वीट, सिंपल एंड यूनिक फिल्म को तुम प्राइम वीडियो पर रेंट करके इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हो। नंबर 5 पर तो एकदम ही अलग सी फिल्म है। उसका रीजन ये है कि इसकी स्टोरी डायरेक्टर नहीं बल्कि ऑडियंस खुद चुनती है, और वो ऑडियंस इसकी कहानी को किसी भी अलग रास्ते पर ले जा सकती है। 2018 में रिलीज हुई फिल्म बैंडरस्नैच, ये एक साइफाई थ्रिलर फिल्म है जो हमें एक यंग प्रोग्रामर की कहानी दिखाती है। अब ये प्रोग्रामर एक इंटरैक्टिव वीडियो गेम बनाने की कोशिश कर रहा है, पर वो खुद ही अपनी डार्क फैंटेसीज में फंसता चला जाता है। अब अगर तुम चाहो तो इस फिल्म की कहानी को तुम स्टार्टिंग से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जब इस फिल्म को तुम नेटफ्लिक्स पर देखना शुरू करते हो, तो ये तुमसे पूछती है कि इसके कैरेक्टर्स को आगे क्या करना चाहिए। तो जो भी ऑप्शन तुम चूज करोगे, वो कैरेक्टर्स वही करेंगे। अब अगर इस फिल्म की स्टोरी को देखा जाए, तो स्टोरी कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ब्रिलियंट और वेल मेड है, जो आपको इस फिल्म के वर्ल्ड में इमर्स होने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। अगर ब्लैक मिरर सीरीज तुमने एंजॉय की है ना, तो फिर नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल इस फिल्म को भी जरूर ट्राई करो। नंबर 4 पर एक माइंड बेंडिंग सर्वाइवल फिल्म है, जो आपको बहुत ही इंट्रीगिंग कैरेक्टर वर्क और स्कैरी विलन्स देगी। 2023 में रिलीज हुई नो वन विल सेव यू। ये कहानी है एक यंग गर्ल की, जो अपने चाइल्डहुड होम में अकेले रहती है और किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती है। लेकिन जब एक रात को उसके घर में अचानक से कोई घुसता है, तब उसकी सर्वाइवल फाइट शुरू होती है, और जल्दी उसे ये पता चलता है कि वो इंट्रूडर और कोई नहीं बल्कि एक एलियन है। अब देखो, ये फिल्म सिर्फ इसलिए यूनिक नहीं है क्योंकि ये एक साइफाई सर्वाइवल फिल्म है, बल्कि इसे इसका स्क्रीन प्ले और एग्जीक्यूशन भी यूनिक बनाता है, क्योंकि इस पूरी फिल्म में लगभग 1 या 2 मिनट के डायलॉग्स हैं। उसके अलावा पूरी फिल्म में कोई भी कैरेक्टर बोलता ही नहीं है। अब इस फिल्म में स्टोरी से लेकर एग्जीक्यूशन तक सब कुछ काफी वेल डन है, इसकी पेसिंग में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन इस फिल्म की जो सबसे इंप्रेसिव चीज है ना, वो है इसकी लीड एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस, जो बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि अगर उसकी एक्टिंग में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती, तो ये पूरी की पूरी फिल्म ढेर हो जाती, पर ऐसा नहीं है, और उसी वजह से हमें मिलती है एक सुपर यूनिक साइफाई सर्वाइवल फिल्म। इस फिल्म को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हो, और इसकी एंडिंग तो भैया एकदम होश उड़ा देने वाली है। नंबर 3 पर एक बिल्कुल ही अलग एलियन इन्वेजन फिल्म है, जिसमें आपको बड़ी सिटीज डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं दिखेंगी, ज्यादा फाइटर जेट्स भी उड़ते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि इस ग्रेट फिल्म में मिलेगा ब्रिलियंटली क्राफ्टेड ड्रामा और ब्यूटीफुल विजुअल्स। मैं बात कर रहा हूं 2016 में रिलीज हुई फिल्म अराइवल की। यह हमें एक लैंग्वेज एक्सपर्ट की स्टोरी दिखाती है, जो एक एलियन इन्वेजन के बाद गवर्नमेंट के लिए उन एलियंस के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, एंड वो एलियंस उसे कुछ विजन्स दिखाते हैं, जो या तो उसके पास्ट के हैं या फिर उसके फ्यूचर में आने वाले हैं। अब अगर तुम इस फिल्म से एक्सप्लोजन्स और एक्शन की उम्मीद लगा रहे
आए हो तो तुम काफी डिसअपॉइंट होने वाले हो, क्योंकि ये फिल्म प्योरली ड्रामेटिकल है और इसके एलियन इन्वेजन की स्टोरी का एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल ही अलग है। इस फिल्म के विजुअल्स काफी सैड और डिम फील होते हैं, जो इस फिल्म की टोन को कन्वे करने में काफी हेल्पफुल है, और इसके कैरेक्टर्स भी इसकी स्टोरी के जितने ही कॉम्प्लेक्स और इंट्रीगिंग है। अगर तुम एक माइंड बेंडिंग साईफाई मिस्ट्री फिल्म देखना चाहते हो तो फिर अराइवल को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, प्राइम वीडियो पर ये हिंदी में अवेलेबल है। नंबर दो पर भैया एक बहुत ही लाइट हार्टेड और फनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, वो भी एक बहुत ही बड़े ट्विस्ट के साथ, और ये ट्विस्ट ही तुम्हें सुपर यूनिक एंटरटेनमेंट ऑफर करेगा। ये 2020 में रिलीज हुई ऑसम फिल्म पाम स्प्रिंग्स। भाई ये इंटरेस्टिंग फिल्म हमें एक वेडिंग में लेकर जाती है, जहां पर एक लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलते हैं और उन दोनों के बीच में एक इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है, लेकिन लड़की को लड़के के बारे में ये नहीं पता कि वो एक टाइम लूप में फंसा हुआ है, और जब तक उसे ये पता चलता है तब तक वो खुद भी उस टाइम लूप में फंस चुकी होती है। यहां से स्टोरी का असली फन शुरू होता है। अब इस फिल्म का कॉन्सेप्ट तो यूनिक है ही, और नो डाउट ये चीज ढेर सारी तारीफ डिजर्व करती है, लेकिन इस फिल्म का जो रोमांटिक कॉमेडी एस्पेक्ट है ना, वो भी एकदम ब्रिलियंटली डन है। अब इन सब के बाद फिल्म के दोनों लीड कैरेक्टर्स की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी एकदम ऑसम है, और इस फिल्म की कॉमेडी भी भैया लाफ आउट लाउड टाइप फनी है। मतलब इस एक फिल्म में सब कुछ मिलेगा और वो भी एकदम परफेक्ट। इसीलिए नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल ये ऑसम फिल्म 100% मस्ट वॉच है। The second you fall asleep, it all just goes back to the start. Well, then what's the point of living? We kind of have no choice but to live. No, I'm gonna get out of this. See you tomorrow. नंबर एक पर वो फिल्म है जो टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को एक अलग ही लेवल पर दिखाती है, क्योंकि अभी तक तुमने लोगों को फ्यूचर में जाते हुए देखा होगा, पास्ट में जाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या उन्हें आपने एक रिवर्स वर्ल्ड में जाते हुए देखा है, जहां पे सब कुछ उल्टा चल रहा है, बस वो एक इंसान ही सीधा चल रहा है। ये बवाल कॉन्सेप्ट सामने रखती है 2020 में रिलीज हुई क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्टेड फिल्म टेनेट। एक CIA एजेंट है जो एक बहुत ही पावरफुल वेपन को गलत हाथों में गिरने से रोकना चाहता है, लेकिन वो करने के लिए उसे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना होगा जो टाइम रिवर्सल जानती है। वैसे तो टेनेट में कुछ एक या दो वीकनेस है, जैसे कि इसका स्कोर कुछ ज्यादा ही लाउड है, कुछ टाइम पे इसके डायलॉग्स भी सही से सुनाई नहीं देते हैं, और कुछ जगह पे इसका हाई कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा ही कंफ्यूजिंग फील होता है, लेकिन इन छोटी मोटी वीकनेस को तुम इसके पहले 10 मिनट में ही इग्नोर कर दोगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट का एग्जीक्यूशन इतना कूल और यूनिक है कि आप ये फिल्म खत्म किए बिना ही अपनी जगह से हिल नहीं पाओगे। इस माइंड बेंडिंग फिल्म को तुम नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। तो ये है वो ऑसम मूवीज जो मूवी वॉचिंग का एकदम यूनिक एक्सपीरियंस देगी, और अब इनसे भी यूनिक अगर तुमने कुछ देखा है ना, तो कमेंट में आकर सबके साथ शेयर करो। अपनी वॉच लिस्ट को ऐसी ही ऑसम मूवी से अपडेट रखना चाहते हो तो फिर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और जाके ये मूवीज इंजॉय करो। बस जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और अपने मूवी लवर दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना। अब सुपर यूनिक मूवीज की तरह अगर माइंड बेंडिंग वेब सीरीज देखनी है तो राइट में शो हो रही प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, सारी लिस्ट वहीं मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और कड़क वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।